पानी कौन दिया लाके? पप्पू सिंह लाके दिया। पानानल को रस्सी कौन लाके दिया? पप्पू सिंह लाके दिया। 18 घंटा भूखे रहे, एक दुनिया 18 घंटा इनके साथ। गोविंद चार आदमी को बचाया, ऊपर में गोविंद चार आदमी को बचाया। और चार बचाने के बाद फिर पन्नालाल पूरा रात हम पन्नालाल उपेंद्र दा बिना खाए पिए हम लोग लगे वहीं पर। जो झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था ही, लेकिन भारत के इतिहास में भी इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पहली बार हुआ। इतनी बड़ी ऊंचाई पर, इतनी हाइट पर पहली बार भारतीय सेना ने भी रेस्क्यू किया और 48 लोगों को निकाला। तो आज हम उसी हादसे के बारे में चर्चा करेंगे। और इस पूरे हादसे सबसे बड़ा हीरो अगर कोई बन करके उभरा तो वो था पन्नालाल। लेकिन पन्नालाल कौन है और वो क्या करते हैं, इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा, साथ ही उसके साथ किन किन लोगों ने मदद किया, क्या पन्नालाल अकेले इतना बड़ा ऑपरेशन में सफल हो पाता, ये भी बड़ा सवाल है। तो आज हम वही बताने वाले हैं कि पन्नालाल के साथ जो भी लोग शामिल थे उन लोगों ने क्या किया और किस प्रकार से रेस्क्यू करके लोगों को उतारा, लोगों की जिंदगी बचाई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि पन्नालाल के साथ साथ उन तमाम हीरो जो त्रिकुट रोपवे हादसे के हीरो थे वो कौन थे। वो है ड्रोन से हम लोग रस्सी भेज रहे हैं, रस्सी भेजने के बाद रस्सी जब गिराता है हम लोग बोतल लेके जा रहे हैं, बोतल बांध के और हम लोग भेज रहे हैं। जहाँ तक प्रयास हो रहा है वहाँ तक हम लोग पहले रेस्क्यू कैसे किया आप लोग? पहले कोई हम लोग रस्सी से, हम लोग लगभग 8 से 10 किमी हम लोग रस्सी से उतारे हैं। जो लोकल हम लोग गाइड हैं यहाँ का, हम लोग जानते हैं किस तरह रोपवे में चढ़ना नहीं चलना, जंगल में रहते हैं, उसको रस्सी से और कुर्सी लगा के हम लोग उतारे हैं उनको। अच्छा, उतारने के बाद हम लोग सबसे बड़ी, 2 दिन से पानी नहीं मिल रहा था, हम लोग कल से पानी देने शुरू किए हैं। ड्रोन से रस्सी भेजे फिर पानी भेज रहे हैं, अपना पैकेट से, इतना मंत्री विधायक इतना आदमी है यहाँ प्रशासन, पानी हम लोग को जब दिया, हम लोग को जब देख लिया कि इसी लोग उतार रहा है, ग्रामीण से उतार रहा, तब जोर शोर से ITBP वाला हम लोग साथ दिया था, ITBP जो पुलिस आया है वो सब हम लोग को साथ दिया, ITBP वाले साथ दिया है। उसके बाद हम लोग जवान, तब आर्मी वाला ये केबिन उतारा है हम लोग साथ। घटना कैसे हुआ था? घटना तो हम लोग तो अचानक, हम लोग नीचे में खड़ा थे, हम लोग गाइड हैं, अचानक एक व्यक्ति देखे वहाँ से पूरा टोली ऐसे ऐसे झूलने लगा, भड़ाम भड़ूम, एक टोली गिर गया ऊपर में, उसमें 6 आदमी था, उसमें एक आदमी मर गया, उसको हम लोग कान्हा में उठा के 5,500 फीट ऊंचाई में था, वहाँ से हम लोग सब गाइड मिलके नीचे किए। कैसे किए वो? कान्हा पर लेके हम लोग लाए, सीढ़ी से उन लोग को लाए, और जो नीचे में नीचे का टोली, नीचे दूसरा आदमी हम लोग गाइड समाज का था, वो लोग भी उतारा, लेडीज नीचे में जो था, तो हम लोग सब आए। तब तक अंधकार हो चुका था, प्रशासन इधर उधर कर रहा था, रात में कोई कुछ हुआ नहीं, तो फिर सुबह हम लोग। कितने लोग रहते थे त्रिकुट में अभी, दुकान वाले गाइड सब? गाइड हम लोग लगभग 150 लगभग हम लोग हैं। भविष्य में अगर रोपवे बंद होता है तो आप लोग? बहुत दिक्कत हम लोग को हो जाएगा, बहुत दिक्कत, दिक्कत नहीं बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दिक्कत। आप लोग सरकार से क्या चाहेंगे कि किस प्रकार से मदद किया जाए जो आप लोगों का रोजी रोजगार चलता रहे? हम लोग समझ में नहीं आता क्या हो गया, जी सोच नहीं सकते क्या हो गया और क्या आगे भविष्य जाएगा। और क्या सरकार को हम लोग बोल सकते हैं? अभी तो इस तरह घटना घट गया तो हम लोग आगे सोचने के क्या हो गया, इसी भरोसे हम लोग जीवन अर्पण सब चलता था, इसी भरोसे। क्या नाम हुआ? दिनेश महतो उर्फ केलुदा। क्या कि पहले पैसेंजर को बचाएं, पहले पैसेंजर को बचाने का था, तो हम लोग जैसे आए तो कुछ रोपे कर्मचारियों का भी मदद मिला, ऐसा बात नहीं है कि जब आए तो हमारी ग्रामीण जैसे पिंटू हैं, बम हैं, संत हैं, हमारे बड़े भैया हैं जिन्होंने थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया कि आप जल्द से जल्द भेजें। यहाँ पर आने के बाद जिस तरह हमने रेस्क्यू किया, जिस तरह हम आज पन्नालाल जी जिस तरह छाए हुए हैं, तो उस तरह का सम्मान हम लोग को नहीं मिला जिस तरह का हम लोग हकदार थे। तो कम से कम हम लोग को सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचती, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हमारे गांव का भी नाम लिया बस्तिया, कभी गांव का भी नाम लिया कि आप लोगों ने अच्छा ग्रामीण किया, तो हम लोग ग्रामीण अगर वहां पर रह के इस प्रोग्राम को अगर देखते, अगर हम लोग का भी सारे लड़के लोग का होता तो हम लोग का भी मनोबल कुछ और ज़्यादा मजबूत होता, अंदर से कुछ हम लोग को भी दुख हुआ कि हम लोग ऐसा क्या गलत किए जो कि हम लोग प्रधानमंत्री के शो में नहीं आ पाए। आपका क्या? जी जी जी, जब वो ग्रामीण की जब बात हुई थी तो सांसद जी तो हमेशा मिलते रहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनका तो आना जाना है ही, लेकिन हम लोग को तो जिंदगी में पहली बार मौका मिला था जो कि हम प्रधानमंत्री जी को
लाइव वीडियो में उनको नमस्कार करना चाहते थे और हम लोग बताना चाहते थे कि हम लोग अब बेरोजगार हो गए, ना हमारे पास कोई रोजगार बचा ना कुछ बचा। उनके पन्नालाल जी के पास तो कंपनी का रोजगार है, हमारे पास क्या है, हमारा रोजी रोटी सब कुछ चला गया। और कल इस मैटर पे एक जरा से भी चर्चा नहीं हुआ कि वहाँ के स्थायी दुकानदार, गाइड, कैमरामैन, जड़ी बूटी वाले, उनका क्या जीवन यापन होगा। आज इस तरह का नौबत है कि हम लोग का भुखमरी का नौबत है, एक बद का रोटी कहाँ से चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग को सामान मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग मेहनत की, अपना जान जोखिम पर डाल के, वो चीज़ हम लोग को नहीं हुआ। हम लोग जब घटना हुआ करीब 3:45 था, हम लोग 102 मिनट के बाद हम लोग अपना दुकान छोड़ के पहुँच गए। और पहुँचने के बाद यहाँ पे देखे कि सारा रोपवे लाइन पर खड़ा है और हम लोग सोचे कि कौन सा रोपवे में क्या हुआ नहीं हुआ। तो पहला जब हम लोग केबिन खोले, खुल नहीं रहा था बहुत मुश्किल के बाद हम लोग उसको तोड़ के निकाले। तोड़ के निकालने के बाद उस समय ना एम्बुलेंस का व्यवस्था था ना कुछ भी व्यवस्था था। हम लोग क्या किए, देखे PCR वैन बगल में खड़ा था, PCR वैन वाला बोला हाँ मेरा वाला गाड़ी में भेज दीजिए, तो हम लोग उसमें पेशेंट को भेज के और भेज दिए। उसके बाद फिर आया पन्नालाल जी। अब पन्नालाल जी आने के बाद हम लोग सामने मतलब पीछे से मदद किए और रस्सी खींचने वाला और जितना भी हम लोग थे सब स्थानीय थे। हम लोग रोपवे का स्टाफ आपका पन्नालाल जी रोपवे पर चढ़े और सब लोग को उतारा, 4 केबिन करीब खाली किया। और दूसरे दिन सुबह होते ही हम लोग ड्रोन कैमरा लेके आए अपने मदद से और बिस्किट लाए, पानी लाए और ड्रोन के मदद से हम लोग खाना और पानी पहुँचाए जितना हो सका हम लोग से वो चीज़ किए। और वो चीज़ के लिए मतलब ना मीडिया में आया ना कहीं कुछ आया, हम लोग जंगल में मेहनत करते रह गए और क्रेडिट कोई और लेके चल गया। दुख है, दुख बहुत है, कहीं नहीं आया, हम लोग के मन में दुख है। हम लोग पानी पहुंचाने का काम किए, जब पन्नालाल जी जब 18 नंबर के बीच चढ़े थे तो हम लोग रस्सी घिस रहे थे और 3 दिन से हम लोग खाना हमने खाए नहीं और पानी पहुँचाए, ड्रोन कैमरा से पानी पहुँचाए। उस पत्ता में लिख के हम लोग नंबर भी दिए केबिन में जो बैठा हुआ था कि कोई ज़रा दिक्कत होगा तो आप कॉल कीजिएगा। उन लोगों ने कॉल किया, हम लोग बिस्कुट पानी पहुँचाए और 3 दिन तक हम लोग ऐसे करते रहे। आपका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें दिखा जा रहा है कि पैसेंजर को आप कंधे में उठा के लेके जा रहे हैं। जी हम लेके जा रहे थे उसको, हम उतारे थे केबिन से तो उसको कंधे में लेके हम लोग उतारे हैं, पानी भी पहुँचाए हैं। तो इस तरह हम लोग को मान सम्मान नहीं मिला, हम लोग चाहते थे कि हम लोग को मान सम्मान मिले। और आप लोग से कहाँ से कहाँ चुक हो गए? हम तो राजनीति में चुक हो गए हैं, दोनों तरफ राजनीति चलने लगा सामने में, इधर से उधर भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करते रह गए कि पानी पिलाना है, जान बचाना है, जान में जोखिम डाल सब करने लगे। हम लोग पता नहीं चला कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोग अपना काम में लगे रहे, कहीं मीडिया का नज़र में आए नहीं। अगर मीडिया नज़र में आते हैं तो हम लोग भी कुछ सम्मान मिल जाए। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं कि हम लोग सम्मान मिले, सम्मान के साथ रोजगार भी मिले, रोजगार में हम लोग का खत्म हो गया है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश राजवार।